धन्यवाद सर आपका। बैठिए, धैर्य से बैठिए ना, प्लीज बैठिए। महोदय, मैं एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण जी विषय पर आपके माध्यम से माननीय सड़क परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। महोदय, ये सड़क जिसकी चर्चा मैं करूँ, ये कुल 5 राज्यों से जुड़ा हुआ सड़क है और इस 5 राज्य में कई जिला, कई प्रखंड को भी प्रभावित करेगी। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्रा के दानापुर अनुमंडल के भुसौला दानापुर से NH 98 अब 139 की शुरुआत होती है। यह सड़क पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र के पटना एम्स, जो बहुत महत्वपूर्ण है सर, के पास से शुरू होकर के हमारे क्षेत्र नौबतपुर, विक्रम, कनपा, मावलीपुर, जहानाबाद संसदीय क्षेत्र से अरवल जिला के अरवल, मेहंदिया, कलेर, काराकाट संसदीय क्षेत्र के औरंगाबाद जिला के दाऊदनगर, ओबरा औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के औरंगाबाद से NH 2 पर जाकर मिलती है। यानी कुल मिलाकर के 4 से 5 हमारे बिहार राज्य के संसदीय क्षेत्र को भी जोड़ने का काम करता है सर। उसके बाद औरंगाबाद जिला के अंबा होते हुए झारखंड से भी जुड़ा हुआ है। झारखंड के हरिहरगंज, छतरपुर होते हुए डाल्टनगंज से राजहारा तक जाती है। यह सड़क बिहार में 156 किलोमीटर और झारखंड में 51 किलोमीटर है। यह सड़क बिहार और झारखंड के महत्वपूर्ण स्थानों को पटना एम्स, IIT, बिहटा एयरपोर्ट, ये सब नया इलाका डेवलप किया है सर, हमारे क्षेत्र का है एयरपोर्ट, औद्योगिक क्षेत्र बिहटा, विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर देव और उलार, हमारे क्षेत्र में उलार है, बस सर्किट के बोधगया और वैशाली को भी जोड़ती है सर। ये सड़क NH 2, NH 120, NH 110, NH 30, NH 83 के से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मिलती है। बिहार के 4 संसदीय क्षेत्र, जैसा कि मैंने आपको बताया, पाटलिपुत्रा, जहानाबाद, काराकाट, औरंगाबाद से होकर यह सड़क गुजरती है। इस पर ट्रैफिक लोड कम है सर, ख़त्म हो रहा है। उसके बाद सर, मैंने कहा जैसा कि 5 राज्यों को भी जोड़ता है, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बहुत महत्वपूर्ण रोड है सर। अतः सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पुनः अनुरोध करता हूँ कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों पर गंभीरतापूर्वक और सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए NH 98 जो 139 को जनहित में चार लेन की सड़क बनाने की अनुमति प्रदान की जाए।